कथा प्रारंभ होती है। आइए पवन यहां से रामलीला की प्रस्तुति की जा रही है। सकली कहे काबे हो जो चल रही है। और बताओ मेरे लिए आपको सेवा, आपके लिए यही सेवा है कि ये उत्सव की देखभारी आप तुम ही करोगे। ठीक है बैठो। मेरे लिए कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं। क्या देख रहा हूं, मैंने इसको त्रिपणधारी को पहले कभी देखा नहीं। अरे पहले मैंने इस त्रिपणधारी को अच्छा चलता हूं, इससे जाकर के इसका परिचय पूछता हूं। अरे भाई कौन हो? हाँ आपसे पूछ रहा हूं। पूछते हो और किन से पूछेंगे? नहीं पहले आप बताइए कौन है। अरे पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी देखा नहीं। इस छत्री के आगे तूने प्रणाम किया नहीं? अच्छा प्रणाम हमें करना पड़ेगा और क्या? नहीं ये कभी नहीं हो सकता।
पति प्रणाम लगते जरा मुझे पृथ्वी देवता सब मुझे प्रणाम करते हैं तुम्हें जी। अरे इस हर्ष उल्लास के साथ में तुमने कैसा विधर्म मचा दिया, ये हर्ष उल्लास का समय था, आपने इसमें विधर्म मचा रखा है। आप कौन हो, कहां से आए हो बताओ, हमारा परिचय पूछते हो और तुम तो पूछे, तुम पूछ रहे हमसे, पहले अपना श्री नामा नहीं बताएंगे क्या? बता दूंगा, पहले आप ही बताए। प्रसन्न आपने किया है, सुनिए श्री श्री 160 श्री पुलस्तमणि का नाती विशेष सर्वा का पुत्र चक्का ईश लंका धीश मुझे राजा रावण कहते हैं। अरे मैं तो ये समझा सकता समझा था ना मालूम रावण कितना बलशाली हो। आज मुझे क्या हुआ है कि ये तो एक मक्खी के समान है। वहा रे रावण वहा, आज मालूम पड़ा क्या कहा, आज मालूम पड़ा तू तो एक मक्खी का समान है। पहले मेरा श्रीनामा पूछ लिया, आप अपना श्रीनामा बताइए। मुझे नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता कौन है तू तो सुन सुनाइए। ब्रह्मा जी के वंश में हर कर शंकर की आस ताके शुद्ध हिना को सुबह को ताके शुद्ध पहला, अरे पहला के शुद्ध भयो विमोचन नाम कहायो, ताको शुद्ध बाली भयो को जगत में अस खेरायो, और ताको शुद्ध बाली भयो ताको शुद्ध बाणा सर्व सोहनत पुनगर बतायो। अच्छा क्या तू ही बाड़ा सुर है? अरे बाड़ा सुर मैं तो ये समझता था कि इसकी 20 भुजाएं हैं तो कितना बलवान पहाड़ होगा। जब मेरे सामने आया तो मच्छर की तरह टिन 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 लगा रहा है। ए क्या तू ही बाड़ा सुर है? मैं ही बाड़ा सुर हूँ। बाड़ासुर और अरे आया हूं धनुष को तोड़ डालूंगा, पृथ्वी को उलट पुलट कर डालूंगा, चाहे तो अपनी इच्छा से सीता को प्याले जाऊंगा। क्या कहा जी? हंसले 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 तेरे तो ए रावण अरे गुरु का अपमान ये तू कर पाएगा तो है प्रतिज्ञा मेरी, तू धनुष खंडित नहीं कर पाएगा। क्या कहा? ये मेरी प्रतिज्ञा है, अगर गुरु का तू अपमान करेगा तो आज धनुष का तू खंडित नहीं कर सकता इसे। यही तो मैं सोचता हूँ। क्या क्या सागर सूख कर रंग नलवरे, क्या समझता है मेरे लिए? अरे सर हाथी का फट्टा है, अगर मुक्का लगा दूं मैं और चल जमीन से आ जाए रावण मुक्का लगा दूं मैं। ए परेश्वर साधन, अरे मेरी बड़ी बुझाने कैलाश पहाड़ उठा कुबेर परल मंडल इन पारों से थर्राया है। यही तो तुझे गुमान नहीं जाएगा। अरे ये शिव धनुष, ये महादेव का महाधनुष अति अति विदित है, अनुपम है, देख इसको खंडित तेरे करने की कोई बस की नहीं है। पराशर अरे तुझको ज्ञात नहीं, अरे बाणासुर तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल की मत बोला हूं, इसके काटे का मंत्र नहीं, ए
ऐसे भुजंग वाला हूँ। अपनी स्टेकी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं कथा कोई अन्याय देखना परेश्वर। चलो बैठो परेश्वर। पूरा की यही कहावत है पर आज नजर में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठन उसकी जाती है। अरे मरने को खड़ा हुआ है, अपनी ही हाथों जाता है, आ गया काल के मुंह में फिर भी बर्दाश्त लगाता है। ए पकड़ पकड़ करने से कुछ नहीं होगा, चल जिस काम के लिए है देखूंगा क्या करेगा। अरे बालाशोर धनुष की बात, धनुष की बात और क्या करने आया। अरे इधर चलता हूँ, अरे इधर चलता हूँ उधर भूचाल आते हैं, पृथ्वी तक तक मारती है तो आसमान थर थर थर। अरे बकबक करने से कुछ नहीं होगा, चल देखता हूँ क्या तू धनुष खंडन करेगा। धनुष खंडन, धनुष का खंडन भी कैसे कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से राजा जनक की स्वयंवर में सभा लगी हुई है। राजा जनक जी उठे और कहने लगे, बोले बंदी बचन बारे सुनहु सकल मही पारे, बन विदेह कर कहे को आप आए हैं और उस कार्य को करिए। और कहने लगे कि जगह जगह से जितने भी राजा आए हैं मेरे पन के लिए अपनी अपनी भुजाएं से उठाएं और जिस कार्य से आए उसे संपन्नता की ओर ले जाएं। हे लड़के कहो कुशल से तो है। हाँ कुशल से है, आप तो कुशल से हैं। कृपा है लेकिन हे लंकेश जी आपसे कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बतला सकते हैं। पूछिए पूछिए। क्योंकि आप बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, चारों वेद छो शास्त्र आठों पुराणों के जानने वाले। कहिए गुरुदेव आगे बोलिए। लेकिन हे लंकेश यदि आप देख सकते हो तो मेरी अभिलाषा है। क्या क्या अभिलाषा है गुरुदेव आगे बोलिए। मेरे ये शिष्य हैं उनकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा दिखाना चाहता हूँ, क्या देख सकते हैं आप। क्यों नहीं देखूंगा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं देखने को तैयार हूँ गुरुदेव। ठीक है मैं देखता हूं। पतला होना आप मैंने हस्तरेखा और मस्तक रेखा देखने के बारे में कहा लेकिन आप इतने अफसोस में क्यों पड़े, मुझे तो कुछ बतलाओ लगे। लेकिन गुरुदेव हो सरपंच में पढ़ने की कोई बात नहीं है, कर्ता ने लिख दिया सब
आधी रात के अंग लाई घटे न दिन बड़े लाइए जीव निशन। जब गुरुदेव आप पूछते हो तो मैं इसका भेद बतलाता हूँ। हे गुरुदेव, इसकी दाहिनी भक्ति पर, इसकी दाहिनी भक्ति पर पित मरण ने वनवास लिखा, इसकी बाई भक्ति पर लंका का सत्यानाश लिखा। लेकिन हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे कर लंक चले आना, उस मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। लेकिन राम, आप ये नहीं समझे कदाप ऐसे निवारण हो जाएगा, मेरी मोक्ष की पिटारी है सीता, उसके लिए साथ साथ लेते आना, तब मुझे मोक्ष मिल सकती है। क्या है तेरी लंका में तबाही मच रही है, तेरी पुत्री कुप्रसी कन्या को मैं दानव लिए जा रहा है। क्या कहा, पुत्र मेघनाथ कहां पर है? वो मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। ठीक है, उसे यज्ञ करना ही भुला दूंगा। कुंभकर्ण इस वक्त सो रहे हैं। और क्या है, तेरी लंका में तबाही मच रही है। जी ठीक है, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं, कारण ये मजबूरी है, जाना भी बहुत जरूरी है। सीधी लंका में जाकर के देखूंगा क्या हो रहा है। जय शंकर। और रावण ये कहकर चल दिए कि इस समय मेरी लंका में आग लगी हुई है, लेकिन मैं एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। ऐसे कहकर रावण चला गया और राजा जनक वन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाली, बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। ए भाई, ये बताइए, ये मच्छर सा कौन टिन 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 पिन पिन कर रहा है, ये कौन था? अच्छा भाई, ये राजाओ, इस धनस को जो है काम खंडन करो। ए मंत्री, ये कौन था टिंडमिंड कर रहा था, मच्छर इधर बिटमिंड आ रहा था, कौन था ये? महाराज तुम नहीं जानते ने? मैं क्या जानू? अरे ये लंकाधीश रावण थे। ओ फो, ये रावण आई तब से नहीं बताए, कल तो चौराहे पे एक एक बीड़ी मांगता फिर गया, उल्लू का भटभटा 2 रुपए में उसे ले गया, उसे तो मांगने का पहले से बता देता था। तो महाराज भजकाए गए तो तवई ले लेते। अरे रबड़िया जोई, अब बुला ले दोबारा। चलो ठीक है, अब धनुष को महाराज खंडन करो। तो तोड़ी देंगे इसको, क्या है? तो सो मुहूर्त निकला जा रहा है, ये भी तो कार्य करना है। लग चुकी है, उठाए उठाए, उठो भी नहीं जा रहे हो भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि राजा की ढोलते हुए खा ले जाएगी। तमक तमक ताक तक शिव धन धरी, उठई न कोटि
भात बल करही। राजा तुम भी जोर लगा सकते हो, देख ले अजमा के हमारे जोर और क्या, ये कर लेंगे छोटे छोटे राजा ऐसे काम को, फिर कौन पूछेगा पेटुल्ली के नाम को। पहले मैं धनुष को मनाऊंगा। हाँ ना मनावा तो कैसे तोड़ दोगे, तुम सही जानते हो। लात से बताते हैं कि मौते बता दे, सही जानते हो। धनुष मेरे मौसा जा और धनुष मेरे चाचा कनक उठी जाइयो हो। धनुष मेरे फूफा, धनुष मेरे ताऊ, कनक जाइए ऐसे धनुष टूटेगा, बैठ जाइए।